आप सभी को मेरा प्रातः नमन। साथियों, अहंकार का भाव जितना कम होगा प्रभु का द्वार उतना अधिक खुलेगा। ये अहंकार ही है और सांसारिक लिप्तता ही है जो हमें प्रभु के द्वार में प्रवेश करने से रोकती है। इंसान की दृष्टि अलग होती है, भगवान की दृष्टि अलग होती है। इंसान का दृष्टिकोण, सोचने का तरीका अलग है। वो इंसान का जो दृष्टिकोण है वो देखता है कि क्या पद है, क्या मान है, क्या प्रतिष्ठा है, कैसा व्यक्ति है, क्या कपड़े पहन रखे हैं और उसका गाड़ी कैसी है, उसका बंगला कैसा है, उसके पास धन संपदा कितनी है। ये इंसान की दृष्टि है, उसकी इज्जत मान सम्मान समाज में उसकी बढ़ाती है। लेकिन भगवान की दृष्टि बिल्कुल इससे भिन्न है। कोई व्यक्ति भीतर से कितना शांत है, कितना सरल है, अहंकार उसका कितना न्यून है, कितना वो आनंद में रहता है, कितना प्रभु विश्वासी है, कितना लोगों के प्रति उसका प्रेम है, उसके भीतर प्रेम है, भीतर का भाव कैसा है, ये भगवान की दृष्टि होती है, परमात्मा की दृष्टि होती है। तो साथियों, इंसान की दृष्टि अलग है, परमात्मा की दृष्टि अलग है। और कभी ऐसा देखने में भी ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की या समाज की दृष्टि में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में वो बहुत छोटा सा प्राणी न्यून होता है। क्यों? क्योंकि निधन होने के बाद वो निर्धन हो जाता है, और खाली उसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी उसको धन की प्राप्ति नहीं होती, जबकि इस जन्म में उसको बहुत कुछ मिला हुआ है। क्योंकि ये जन्म में जो कुछ मिला हुआ है सब पे पानी फिर जाता है, सब यही रह जाता है। इसीलिए इसका नाम, मृत्यु का नाम निधन है, यानी निधन हो गया, धन विहीन हो गया। तो साथियों, हम अपने आप को परमात्मा के पात्र बनाए, परमात्मा की दृष्टि हम पे बने, परमात्मा का द्वार हमारे लिए खुले, आनंद की स्थिति में हम स्थापित हों, आनंद का लोक खुले हमारे लिए, और अपने आप को हम अपने आप को शांत, पवित्र, आनंदित पाए, ऐसा प्रयास हो कि प्रभु की दृष्टि हम पे बने, प्रभु की दृष्टि हमारे लिए खुले, प्रभु का द्वार हमारे लिए खुले, ऐसा कर्म, ऐसा भाव, ऐसी सोच हमारी बने। क्योंकि प्रभु का जो की जो दृष्टि है वो हमारे भीतर का संसार कैसा है उससे संबंधित है। और कई बार बाहर से व्यक्ति यज्ञ, दान, तप कर रहा है, कर्म कर रहा है, बड़े बड़े दान, दान पुण्य, बड़े बड़े चिकित्सालय, बड़े बड़ी चीजें चला रहा है, लेकिन उसको अहंकार यदि आ जाए, अहंकार का स्तर उसका बहुत अधिक बढ़ जाए, वो अनुभव करे कि बल है, अहंकार है मेरे अंदर, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर शक्ति है, तो वो व्यक्ति आप ये मान के चलें कि परमात्मा की दृष्टि में नरक के योग्य है। वो व्यक्ति भले ही बाहर से सांसारिक दृष्टि से कितना भी बड़ा महान, कितना भी बड़े कार्य क्यों ना कुछ करता हो या कर रहा हो या कर चुका हो, वो व्यक्ति परमात्मा की दृष्टि में न्यून है। और अहंकार भी, बल भी, घमंड, ये सब यदि साथ में आ जाए तो वो व्यक्ति का उसका जो अगला जन्म होता है वो बहुत निम्न योनियों में नरक के वाका वासी होता है, नारकीय जीवन जीता है, कीट पतंगों वाला जीवन जीता है, पशु योनि में को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति है। तो आप बाहर से भले ही कितने बड़े अच्छे अच्छे कर्म कर ले, लेकिन भीतर से यदि हम कंगाल हैं, भीतर से हम यदि नहीं उस अहंकार को कम कर पाए, तो हम अपने आप को समझें कि वो हम निम्न स्तर के जीवन को जी रहे हैं। तो अहंकार जितना कम होगा प्रभु का द्वार उतना ही अच्छा होगा, खुलेगा, और जितना सांसारिक जो बंधन है, लेपता है संसार में हमारी लिप्तता है, उतना ही हम मुक्ति से दूर होते चले जाते हैं। तो मुक्ति का द्वार, प्रभु का द्वार हमारे लिए प्रशस्त कब हो सकता है? जब हम भीतर से परिवर्तित हों। बाह्य परिवर्तन, बाह्य कर्म तो गौण है, असली मुख्य तो हमारा भीतर की मानसिक स्थिति है, मनोबल है, मानसिक हमारे भाव है, हमारा विचार है, हमारे आचरण, उसके बाद आता है। शांति, शांति।